जो है ये लोग कह रहे हैं कि 6.5 लाख का हम लोग बच्चों का हम लोग सेंटर नहीं करा पा रहे हैं। इससे पहले हुआ था ना, पेपर लीक हो गया था, लेकिन ये लोग तो प्रोवाइड कराए थे ना 6.5 लाख बच्चों के लिए। तो ये लोग इतने बड़े स्टेट में लोग कह रहे हैं कि हम लोग सेंटर अलॉट नहीं करा सकते, सिक्योरिटी इश्यूज है। ये कि एग्जाम 2 शिफ्ट में हो रहा है, 20-22 को हो रहा है, परसेंटाइल फॉर्म में हो रहा है, वो जो रिजल्ट 2 शिफ्ट में हो रहा है, तो परेशानी क्या है? कुछ ऑब्वियसली परेशानी है कि 6 लाख बच्चे हैं, 3-3 लाख का 2 शिफ्ट का ये लोग बनाएंगे और उस एक में टफ और एक में इजी दे देंगे। तो जो सेटिंग होगा, सेटिंग तो अब सेटिंग होगा कि नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन सेटिंग ऑलरेडी हो चुका था, इसलिए हम लोग ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं होगा। जो ऑलरेडी हो चुका है तो उस पर तो आदमी वही सब चीज सोच के नहीं आ खड़ा है। इसीलिए परसेंटाइल किस लिए आया है कि भाई हम लोग आगे का दरवाजा बंद कर देते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि हम लोग फेयर हैं, और पीछे से हम लोग इनकी जितने हैं जितने पैसे वो सारे, पहले ये बताए पहले वो सारे स्टूडेंट है कहाँ, किसी की ना गिरफ्तारी हुई है ना कुछ हुआ है जिन्होंने पैसे देकर एग्जाम लिखे हैं। सीधा मांग है आप लोगों का कि एक शिफ्ट में मतलब कि इजी पेपर आ जाएगा, और हम लोग को इजी डिफिकल्ट का प्रॉब्लम ही नहीं है सर। पेपर यहाँ सबके लिए राइट टू इक्वालिटी है ना, तो इसमें हम लोग को इक्वालिटी का राइट है ना कि हम लोग सबके सबको एक तरीके का पेपर दे। इतना बड़ा राज्य है, ये लोग कह रहे हैं कि 6.5 लाख का हम लोग बच्चों का हम लोग सेंटर नहीं करा पा रहे हैं। इससे पहले हुआ था ना, पेपर लीक हो गया था, लेकिन ये लोग तो प्रोवाइड कराए थे ना 6.5 लाख बच्चों के लिए। तो ये लोग इतने बड़े स्टेट में लोग कह रहे हैं कि हम लोग सेंटर अलॉट नहीं करा सकते, सिक्योरिटी इश्यूज है। दो तिथि में यानी कि 2 डेट में भी एग्जाम होने की बातें हैं, तो 2 डेट में भी एग्जाम हो गई क्या बीपीएससी अभी? तो है तो 20 से 22 का, हाँ इसीलिए तो 20 कटाया था एग्जाम डेट। कुछ ना इन्फॉर्मेशन के नाम पे वही प्रेस कॉन्फ्रेंस पता नहीं किस न्यूज मीडिया के साथ किया है, वो भी हम लोग को कुछ आइडिया नहीं है। और उसी बीपीएससी ऑफिस द्वारा अधिकारी लोग चेयरमैन सर खुद किए थे, चेयरमैन सर खुद किए हैं, तो कुछ हम लोग को उतना आइडिया नहीं है। और उसके बाद सिर्फ ना नोटिफिकेशन आया है, एडमिट कार्ड तो छोड़ मान लीजिए अभी आप 2 दिन में नोटिफिकेशन लाएंगे तो 2 दिन पहले एडमिट कार्ड निकालेंगे। ये हर तरीके से गलत है यार, हर तरीके से गलत है। आप खुद देखिए ना, आप परसेंटाइल वाला क्या है क्या कि परसेंटाइल में जो हम लोग जानते थे उसके इतर ही बता रहे हैं, बता रहे हैं कि दोनों शिफ्ट से 5-5 हजार लिया जाएगा, तो इसमें आरक्षण पद्धति को आप कैसे जस्टिस कीजिएगा? कहे कि किस अनुपात में, आप ये भी नहीं बता रहे कि हम समान अनुपात में रखेंगे दोनों पाली में, बता रहे हैं। हाँ वही कि ये बता रहे हैं कि दोनों पाली से 5-5 हजार देंगे रिजल्ट, इसमें क्या है कि आप आरक्षण पद्धति को कैसे जस्टिस कीजिएगा? किसी में किसी मान लीजिए कि SC का ज्यादा हो जाएगा, किसी पाली में ST का ज्यादा हो जाएगा, तो इसको आप मतलब 50-50% दोनों शिफ्ट से लेना है ये कहना है? आप अगर ले रहे हैं तो आप एक अनुपातिक कहिए ना कि हम दोनों शिफ्ट में सेम रखेंगे। अभी तो 2 एग्जाम ले रहे हैं आप, एक एग्जाम बता के 2 एग्जाम ले रहे हैं कि हम लोग आधा को इसमें कर देंगे, आधा का रिजल्ट इससे देंगे और आधा का इससे। डर है कि कहीं सेटिंग गेटिंग न हो जाए, ये भी है। सेटिंग के लिए ही किया गया है भाई, सेटिंग नहीं करना होता तो एक शिफ्ट में लेते, एक बार हुआ ही है ये सेटिंग के लिए 2 शिफ्ट में किया। हाँ 2 शिफ्ट अभी वालों के लिए एकदम लोग को डर है। हाँ हाँ ये मेन बात है, अभी समझ में आई। क्या बता रहे थे भाई, 1 मिनट? वो अभी एस आई ओ का अध्यक्ष है। परसेंटाइल वाला क्या मुद्दा है हमको जरा समझाओ। परसेंटाइल मतलब 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, और 2 शिफ्ट में किसी में क्या होता है ना कि बच्चे जो हैं ज्यादा नंबर ला देते हैं, तो दोनों को बराबर करने के लिए परसेंटाइल का यूज किया जाता है, समझ रहे ना? अगर किसी शिफ्ट का इजी क्वेश्चन आ गया मान लीजिए, तो अगर इजी क्वेश्चन आएगा तो उसमें ज्यादा मार्क्स उठेगा, लेकिन जो कट ऑफ होगा वो तो सेम होगा ना, तो इसीलिए ऊपर नीचे करके मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, मतलब बराबर किया जाता है।